सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकती, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। मुस्कान और मदद जिंदगी में दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें आप जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। आज का पंचांग 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 4:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को जया एकादशी की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, आप वर्तमान समय में सीमित महसूस कर सकते हैं। अभी आप एक नई शुरुआत की खोज में हैं। अपने बाहरी रूप का मेकओवर भी आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो परीक्षण करें और मचल लें। इस नए चरण में खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वासी और मजबूत रहें। मौज मस्ती और पार्टी करने का समय आ चुका है, इसलिए अपने दोस्तों को बुलाइए और उत्साह के साथ इन छड़ों का मचल लें। नए रिश्तों को लेकर आप उत्साहित हैं और चिंतित दोनों हो सकते हैं। शराब सेक्स और नशीले पदार्थों के प्रलोभन से बची अपने दृष्टिकोण को बदलना एक बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव न डालें, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पियों पर भी गौर करें, इससे आपको दिली खुशी हासिल होगी। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसके आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। कुछ लोग आपके झुंझुलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करें। जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपनी प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। जीवन साथी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आज के दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप संस्कारों में परंपराओं पर पूरा जोर देंगी और कार्य क्षेत्र में भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। इससे आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। निजी मामलों में आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा ना करें। किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। किसी बात को लेकर जल्दबाजी ना करें। आपको जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा और अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज रखें। आज अपने दिनचर्या से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का उचित समय है। परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। खर्च करते समय सतर्कता रखें। आर्थिक स्थिति भले ही सकारात्मक है लेकिन बेकार खर्च को नियंत्रित करें। आपकी जरूरतें पूरी हो रही है लेकिन गलत बातों पर भी ध्यान आएगा। जीवन में आ रहे बदलाव की वजह से काम का पैटर्न बदलने से नए अनुभव मिलेंगे। इस बार अपने अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इस कारण आपके काम में भी बदलाव आएगा। लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई नकारात्मकता दूर होगी। एसिडिटी और अपचय की वजह से तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य की विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। लव लाइफ में विवाद हो सकता है, ख्याल रखें। पिताजी को कोई रोग परेशान कर सकता है,
अधिकारी आज किसी बात पर आपसे नाराज हो सकती हैं। दूसरों के विवादों में ना बोले तो बेहतर रहेगा। सावधानियां, लापरवाही और आलस हावी रहेंगी। कोई मूल्यवान वस्तु या पेपर से खोने से आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। संबंधियों के साथ सामंजस्य बना कर रखें, त्योहारों की वजह से खर्चे बढ़ेगा। बात करती हैं लव लाइफ की। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा। किसी मित्र की वजह से अपमान हो सकता है, सतर्क रहें। आजीवन साथी के परिवार के साथ मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अपनी लव लाइफ पर ना पड़ने दें। पैसा बढ़ने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती है, ऐसे में मोटी तनख्वाह भी कम लगने लगती है। किसी खास को आकर्षित करने के लिए मेकओवर एक अच्छा उपाय है। आज आप अपने संबंध को लेकर उत्साहित और परेशान दोनों हो सकती हैं। आपके प्रेम का रिश्ता अभी नया है और इसमें आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। प्यार के इस चरण में नशे और अन्य गलत चीजों की आदत से बचें। प्यार की इस भावना का मजा धीरे धीरे से ली। आपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपकी कुछ रहस्य और डर हैं, तो इसका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा करने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ही आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। आज का दिन इस राशि के लिए प्यार और संबंधों में खास हो सकता है। आपके पास आज अपने साथी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका हो सकता है, जिससे आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। आपके भी संबंध और सहयोग में वृद्धि हो सकती है और आप अपने साथी के साथ एक दूसरे के साथ और अधिक नजदीकी अनुभव कर सकते हैं। अपने अनुभव को साझा करने और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आज अच्छा समय है। आज के दिन आपके साथी के साथ बातचीत और संबंध में संघर्ष हो सकता है। यह संघर्ष आपके बीच सहमति और समझ बढ़ाने का एक मौका भी हो सकता है। आपको अपने भावनाओं को सहजता से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी और अपने संबंधों में स्थिरता और समर्थन बनाए रखने के लिए आपको अपने साथी के साथ मिलकर काम करना होगा। आज के दिन आपके संबंधों में संघर्ष और सहमति का सामना हो सकता है और आपको धैर्य और समझदारी से काम करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने संबंधों को संभालने के लिए सहयोग और समझदारी का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, ताकि आप अपने संबंधों को स्थिर और स्वस्थ बनाकर रख सकें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप धन संबंधित मामलों और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभी आप स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकती हैं। सितारे आपके पक्ष में, इसीलिए सफलता मिलेगी। आप कुछ भी पा सकती हैं, बस अहंकार के दीपक से स्वयं को खोखला ना होने दी। पार्टी करने और उन लोगों से मिलने के लिए यह वक्त बेहतरीन है जिनसे आपकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई। एक नया रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। लालच से दूर रहें, क्योंकि इससे नुकसान होगा। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदलें। दुनिया में सबके लिए अच्छा करें, इसके बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचा कर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार गलत हो सकते हैं। हालांकि वास्तु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। करियर के मामलों में सकारात्मक आज हो सकता है। आपको आज अपने काम में सफलता प्राप्त करने का अच्छा मौका मिल सकता है और आपके प्रयासों की मान्यता भी मिल सकती है। आपको अपने करियर की दिशा में नए अवसरों का सामना भी आज करना पड़ सकता है। आज के दिन आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने संदर्भों और लक्ष्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने उद्योग में नए और नवाचारी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने काम में निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। आज के दिन आपके करियर में संघर्ष और चुनौतियों का सामना हो सकता है, लेकिन आपके निरंतर प्रयासों और मेहनत के बावजूद आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आपको अपने काम में सकारात्मक रूप से समर्थ होने का संकेत मिल सकता है और आपको अपनी कौशल को साबित करने का मौका भी मिल सकता है। व्यवसाय में अनुभवी लोगों के साथ संपर्क रखें।
अभी किसी भी नई योजना पर कार्य को शुरू करने के लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। बात करते हैं सेहत की। देख समझ कर या खोजी कि आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दी। आप काफी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाते आ रहे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है और आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष चमेली के तेल से दीपक जलाएं, गुलाब की माला चढ़ाएं और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।